परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के लखनऊ दौरे के तीसरे दिन भी विपक्षी दलों पर निशाना जारी रहा। अमित शाह ने कहा कि योगी सरकार के 3 महीने पूरे हो चुके हैं, इन 3 महीनों में ही लोगों को प्रदेश में बदलाव साफ नजर आ रहा होगा। ये 3 साल के अंदर देश में देश की जनता बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रही है। वहीं यूपीए पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल की घोटाले वाली सरकार चली गई, 3 साल से एनडीए की सरकार है जिस पर अभी तक कोई आरोप नहीं लगा है। उन्होंने 2019 में भी सरकार बनाने का दावा किया। जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके पहले एक माहौल था, एक ऐसी सरकार 10 साल तक चली जिसमें हर महीने घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, स्कैम्स उजागर होते थे। करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपये के घोटाले देश की जनता के सामने आए हुए थे। और उसके बाद एक ऐसी सरकार आई जो सरकार 3 साल से चल रही है। 3 साल में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए। यही नहीं, रणनीति में माहिर और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने केंद्र सरकार के भी काम गिनाए। काला धन, सर्जिकल स्ट्राइक और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर भी जमकर पार्टी की तारीफ की। सर्जिकल स्ट्राइक कर प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया के सामने एक संदेश रखा है कि हम हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर भी है, जागरूक भी है और अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से हमें परहेज नहीं। फिलहाल जिस तरह से यूपी में प्रदर्शनों का दौर जारी है और अपराध बढ़ रहा है, उसको लेकर जनता बीजेपी को क्या जवाब देगी, ये तो आने वाला 2019 का चुनाव ही बताएगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पिछले 3 सालों में बीजेपी पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप विपक्ष नहीं लगा सका है। लखनऊ से एक्सपोज इंडिया के लिए विजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। हेलो, मैं हूँ शारदा सिन्हा और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया।